बचपन में सबसे ज्यादा दिक्कत किसी काम से हुआ करती थी तो गर्मियों के छुट्टियों में दिए जाने वाले होमवर्क से हुआ करती थी, क्योंकि मोटे मोटे रजिस्टर भरने पड़ते थे, तमाम सब्जेक्टों के इतने काम हो जाया करते थे कि बच्चे जो है ना तो छुट्टी इंजॉय कर पाते थे और ना ही किसी और चीज का आनंद लिया करते थे। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा विभाग की ओर से इस बार एक नया फैसला किया गया था, जिसमें कि बच्चों को इस बार होमवर्क से परे करते हुए बाकी एक्टिविटीज, मॉरल एक्टिविटीज की ओर किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, उनको किस तरह से कल्चरल वैल्यू सिखाई जा सकती है, इसको लेकर प्रोत्साहन देने को लेकर जो है वो बच्चों को दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें जो रोजाना की, रोजमर्रा की जिंदगी रहती है, कौन घर में क्या काम करता है, पूजा पाठ कैसे होती है, घर के सदस्यों के मोबाइल नंबर क्या है, मीटर की रीडिंग, इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग क्या है, कितना ईंधन घर में खर्च होता है, कितनी बिजली खर्च होती है, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मॉरल वैल्यूज यानी कि बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों के पांव छूना, इसी के साथ साथ माता पिता के साथ बातचीत करना, मोबाइल से परे रहना, ये तमाम तरह की मॉरल एक्टिविटीज जो है वो दी गई थी, जो रूटीन में आप घर पर करते हैं लेकिन बच्चे अमूमन मोबाइल से इस तरह से चिपके रहते हैं या मोबाइल के इस तरह के आदि हो चुके हैं कि इन तमाम चीज़ों पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से ये फैसला किया गया था कि बच्चे इस बार यही होमवर्क जो है वो पूरा महीना यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में करते नजर आएंगे। ऐसे में अब एक बड़ा टास्क बच्चों के इस होमवर्क के बाद अभिभावकों को दिया गया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से जो काम दिया गया था यानी कि ये जो काम करने को कहा गया था, जिसकी एक लंबी सूची थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को उसका मूल्यांकन यानी कि उसके नंबर्स, जिस तरह से होमवर्क चेक होता था, अभिभावक अपने बच्चों का होमवर्क जो कि दिया गया था इन तमाम मॉरल वैल्यूज़ को सीखने का, कल्चरल वैल्यूज़ को सीखने का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझने का, उसका मूल्यांकन अभिभावक करते नजर आएंगे और इसका फीडबैक वो तमाम स्कूलों में, बच्चों जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, छात्र जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पर जाकर देंगे। इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ा फैसला किया गया है बच्चों को पर्यावरण के साथ जोड़ने का। बच्चों को त्रिवेणी के पौधे लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और ऐसे में ही पेड़ पौधे जो है वो फलते फूलते हैं, तो ऐसे में बच्चों को त्रिवेणी के पौधे लगाने के लिए जो है वो प्रेरित करने के निर्देश भी शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हैं।